तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हमारे वर्ल्ड के अंदर एक एक्सपी फार्म, और साथ ही साथ में ट्राई करूंगा कि हमारी जो लावा पूल में से लावा निकाल के एक नेचर पोर्टल भी बना लिया जाए। और अगर टाइम मिला तो इस वाले वर्ल्ड को हम लोगों को बनाना है खूबसूरत। अब खूबसूरत बनेगा मेरे अकेले से नहीं ना, आप लोगों की सब्सक्राइब करने से। गाइस, जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तब हमारा चैनल भी खूबसूरत बनेगा और साथ ही साथ हमारा वर्ल्ड भी बहुत खूबसूरत बनेगा। तो यार भाई सब्सक्राइब कर देना यार, गरीब की थोड़ी सी मदद कर दो भाई, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इतना तो भरोसा है मुझे आपके ऊपर, तो आई थिंक भी आप सभी लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से और प्यारे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरा एकदम प्यारा सा और छोटा सा खेत। जैसे कि हमारा घर घर है, वैसे ही रैबिट्स का घर ये खेत है, स्पेशली माई रैबिट्स। भाई इन लोगों के तो बहुत ज्यादा मजे है, लेकिन बस हमारे लाले पड़े हुए कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए। अरे बुरा मत मानो यार, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। कर देना यार भाई, कितनी बार बोलूं मैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। भाई मेरे को तो लग रहा है भाई आप लोगों ने ना बहुत जोर से सब्सक्राइब का बटन दबा दिया है। भाई धन्यवाद आप सभी लोगों को, जिस भी भाई ने इस भाई की सुन के सब्सक्राइब किया हो। तो आप लोग स्पेशली बोलो कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, भाई हमारे को बनाना है एक्सपी फार्म। और आप लोग एक्सपी फार्म लकड़ी से बनाओगे क्या? जब कभी कुछ भी हुआ पूरा का पूरा वर्ल्ड भी तबाह कर सकती है लकड़ी, इसलिए बिना किसी रिक्स लेके मैं यहाँ पे स्टोन फार्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो एक्सपी फार्म है ना वो थोड़ा सा हमारी तरह मजबूत बने। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो यार गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाता हूँ। क्या बोला तूने? अरे भाई यार मुझे गलत मत समझो भाई, मैं भी तुम्हारी जैसे एक संस्कारी लौंडा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि थोड़ा जल्दी जल्दी माइन करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। भाई प्लीज गलत मत समझो यार, मेरे में भी थोड़े से संस्कार है। अच्छा तो गाइस मैं जल्दी से सारे ब्लॉक्स तोड़ता हूँ, तब तक आप लोग बने रहो इस वीडियो में। ओ भाई ये क्या हुआ भाई, मेरा तोता यार। भाई मतलब ये क्या हुआ भाई, मेरा तोतड़ू मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? भाई हम दोनों ने वादा किया था यार कि हम साथ में रहेंगे, तेरे बिना कैसे रहूंगा तोतड़ू मैं अब। भाई तेरी बहुत याद आएगी, और तेरी जो ये आखिरी निशानी है ना, मैं इस वर्ल्ड के आखिरी वीडियो तक साथ में रखूंगा मेरे तोतड़ू। RIP तोतड़ू गाइस। भगवान क्या किया आपने, अभी उस बेचारे की उम्र ही क्या थी, बच्चा था वो, एटलीस्ट मुझे उसका इंट्रोडक्शन तो देने देते, उसके बाद उठा लेते आराम से। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तौबा थारा मूड खराब कर दिया। आई थिंक गाइस इतने ब्लॉग हमारे एक एक्सपी फार्म को बनाने के लिए इनफ है। तो भाई जल्द से अच्छे से जगह चूज करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपी फार्म बनाना, और क्या दूसरा कोई काम ही नहीं हमारे पास। मैं सबसे पहले थोड़े से प्लैंक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमको एक्सपी फार्म बनाने के लिए थोड़ा सा बेस भी तैयार करना पड़ेगा। तो भाई इतने सारे प्लैंक्स, भाई चलो इतने तो काफी है हमारे बेस को बनाने के लिए, और सुंदर सा रास्ता भी बनाएंगे साथ ही साथ। तो चलिए हमारे इस काम को ना शुरू करते हैं, अब थोड़ा सा एंजॉय करो वीडियो।
सो गाइस रेडी फॉर द गॉड लेवल MLG। आई डोंट नो कि मैं बचूंगा या मरूंगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। इसको बोलते हैं मौत को छू के तट से वापस आना। भाई मैं इतना बड़ा नूबड़ा हूं ना कि मैं भूल गया था कि स्लैब के ऊपर पानी नहीं लगता। भाई वो तो अच्छा हुआ कि भगवान का साथ था इसलिए बच गया, लेकिन आगे स्केलेटन मेरा मौत करने के लिए खड़े हैं। भाई भागो यहाँ से, पहले रात से दिन करके आता हूँ मैं। ओ गाइस क्या है ना कि मेरे को थोड़े से पत्थर कम पड़ गए थे वो अपना एक्सपी फार्म बनाने के लिए, तो मैं क्या है ना जल्दी से तोड़ के वापस आता हूँ, ठीक है। Many minutes later, sorry guys, क्या है ना कि पत्थर तोड़ते मैंने क्या है ना अपना रिकॉर्डर ऑफ कर दिया था, तो मैं ऑन करना भूल गया था। मैंने ज्यादा बिल्ड नहीं किया, बस इतना थोड़ा सा बिल्ड किया है, तो आप एंजॉय करो यार वीडियो को। गाइस तो हमारा एक्सपी फार्म का 90% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बचा 10%, उसमें एक ऊपर वाला एक मेरे को ब्लॉक लगाना है। यहाँ पे मैंने उजाला छोड़ा है क्योंकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो, और साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे ना एक किलिंग चैम्बर हो, साथ ही में यहाँ पे हॉपर भी लगाना है क्योंकि सारा का सारा लूट जो है हमारा एक चेस्ट में कलेक्ट हो। भाई तो चलिए जल्दी से ना हॉपर बना के लाते हैं। तो गाइस यहाँ से ले लिया मैंने थोड़ा बहुत आयरन, और यहाँ से जल्दी से बनाते हैं हम 4 हॉपर, क्योंकि हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है अभी के लिए, सिर्फ 4 हॉपर इनफ है हमारे लिए। तो गाइस यहाँ पे लग चुके हमारी ये दूसरे वाली भी चेस्ट, और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक चेस्ट, और अभी हमको लगाने हॉपर, और हॉपर लगाने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई बनाया हुआ फार्म मुझको फिर से तोड़ना पड़ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे एक हॉपर लगाने के लिए। तो ठीक है गाइस थोड़ा सा होंगे क्राउच, और भाई मैं हाथ में लाना भूल जाता हूँ ये हॉपर, तो ठीक है अभी क्राउच होंगे और चेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हॉपर जो है चेस्ट से कनेक्ट हो जाएंगे, और अभी हॉपर के ऊपर चढ़ के ना फिर एक बार से क्राउच होऊंगा और फिर से मैं हॉपर पे टैप करूंगा तो ये वाले हॉपर भी इस हॉपर मतलब पुराने वाले हॉपर से कनेक्ट हो जाएंगे। पता है भाई आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन समझ जाओ, मतलब समझ लो भाई, आपको तो मेरे से ज्यादा पता है भाई, मैं क्या बताऊँ आप। सॉरी अभी आप सभी के मन में एक सवाल पैदा हुआ, वो सवाल ये है कि भाई इसके मतलब ये देखो ये इसके बैग में ये स्पॉनर और अंडा कहाँ से आया। इसलिए बोलता हूँ भाई सारे वीडियो रेगुलरली टाइम पे देखा करो, टेंशन ना लो यार। आप लोगों ने नहीं भी देखा होगा तो सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाके आराम से देख सकते हो आप लोग। और हाँ ये जो घटित हुआ है ना स्पॉनर अंडा एपिसोड नंबर 1 में, तो जल्दी से A few moments later.
तो फाइनली गाइस हमारा जो एक्स पी फार्म है वो बन के पूरी तरह से रेडी हो चुका है और अभी इसमें मॉब्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक बात बता दूं भाई, मैंने इस वाले फार्म में क्या बोलते हैं वो स्पॉनर और वो जो अंडा था ना स्केलेटन का वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इन फ्यूचर हमको और भी अच्छे से काम आ सकता है, क्योंकि एक बार अगर हमने स्पॉनर लगा दिया तो उसको हम वापस से मतलब कलेक्ट नहीं कर सकते, तोड़ेंगे तो परमानेंटली टूट जाएगा। और अभी आप देख सकते हो कि भाई मॉब्स भी बहुत अच्छी तरीके से स्पॉन हो रहे हैं, तो स्पॉनर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गेम मोड थोड़ा हार्ड करना होगा हमको जब भी एक्सपी चाहिए तब। तो भाई ये वाला काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब दूसरा काम करते हैं, वो है नेदर पोर्टल। तो गाइस नेदर पोर्टल बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए ऑब्सीडियंस, और ऑब्सीडियंस तोड़ते हैं एक डायमंड पिकेक्स से। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायमंड पिकेक्स, लेकिन ये तोड़ने का काम बाद का है, सबसे पहले हमको ऑब्सीडियंस बनाना पड़ेगा। और ऑब्सीडियंस बनते हैं पानी और लावा को मिक्स करने से। तो ये मिक्सचर आप बोलोगे तुम कहाँ से लाओगे भाई, भूल गए क्या लास्ट वाले एपिसोड में तो लावा फॉर्म बनाया अबीर ने, इतना जल्दी क्यों भूल जाते हो गाइस। तो हमारे पास है इन्फिनिट वाटर सोर्स और साथ ही साथ ही हमारे पास इन्फिनिट लावा सोर्स, तो भाई किस चीज़ की कमी है हमारे पास। जल्दी से ऑब्सीडियंस बनाकर तोड़ते हैं और भाई नेदर पोर्टल का मैं बहुत ही सही उपयोग करने वाला हूँ, बस आप देखते रहे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे मतलब हमारे लावा फार्म में। यार गाइस सबसे पहले हमको यहाँ पे हमारे खाली वाटर बकेट में लावा भरना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम वाटर कहाँ लगा सकते हैं, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लगाऊंगा तो भाई पानी पानी होगा। तो भाई कहाँ पे लगाए, जगह दिख रही है क्या गाइस आपको कहीं पे? हाँ मेरे को पता है आप सोच रहे होंगे कहीं पे भी लगा दो, लेकिन यहाँ पे ऊपर लगाते हैं क्योंकि ऊपर से पानी बहते हुए नीचे आएगा। और देखो भाई जगह जगह कहीं पे भी लावा डालो, यहाँ पे ऑब्सीडियंस ही बनना है, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी ना सारे के सारे ऑब्सीडियंस जो कलेक्ट करता हूँ, मतलब कि कहना कि हम एक टाइम पे अभी के लिए तो सिर्फ ही 7 ही ऑब्सीडियंस बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लावा के टोटल 7 बैरल है अभी के लिए, तो बाद में हम बढ़ा देंगे, लेकिन अभी के लिए भाई सिर्फ 7 ही बनेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप सभी लोगों का कीमती टाइम बर्बाद करूँ, तो भाई मिलता हूँ सारे ऑब्सीडियंस कलेक्ट करने के बाद। भाई ये लोटा कब भरेगा भाई, कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, बहुत तेज लगी है प्यास, जल्दी जल्दी भर जा भाई। Much, much, much later. भाई लोटे के भरने का वाट देखते देखते भाई मैं इतना बोर हो गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा दूसरा काम कर लूँ। तभी मेरे साथ कुछ एक हादसा हुआ, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास देखो डायमंड पिकेक्स नहीं दिख रही और साथ ही साथ ऑब्सीडियंस नहीं दिख रहे, तो मैंने दूसरे चेस्ट में सुरक्षित रख दिए। गाइस मैंने यहाँ पे सारे के सारे पेड़ तोड़ दिए थे और भाई साहब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने सोचा कि ये स्लैब जो है मिट्टी के बीच में अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई आप देख सकते हो ना मेरे पास बहुत सारा लकड़ी है, और भाई यहाँ पे देखो भाई मेरे को ना ये जो स्लैब दिख रहा है वो मिट्टी के बीच में अच्छा नहीं लग रहा था, तो भाई मैंने बोला कि भाई इसको तोड़ देते हैं और चेस्ट में जाके ना थोड़ा सा अच्छा मतलब डर्ट ला के यहाँ पे लगा देंगे। भाई इसको तोड़ा और फिर देखो क्या हुआ, खत्म का। आई एम नूब। इस टाइम पे मुझको बुरा तो लग रहा था सामान के लिए नहीं एक्सपी के लिए, क्योंकि भाई मेरे पास जो भी 13-14 एक्सपी था वो मेरे को कलेक्ट करने में पूरा का पूरा 2 दिन लगा था और वो 1 सेकंड में पूरा 0 हो चुका था। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हमारा गोल लकड़ी तोड़ने का और मरने का नहीं, हमारा गोल है नेदर पोर्टल बनाने का। तो मैंने भी उठा ली चेस्ट में से अपनी डायमंड की पिकेक्स और साथ ही साथ ले लिए 2 वाटर बकेट, क्योंकि अभी हम लोगों को पानी और लावा को बदलना था ऑब्सीडियंस में। और फिर मैं थोड़ी ना पीछे मुड़ के देखने वाला था, भर लिया लावा को बकेट में और बनाने लगा ऑब्सीडियंस, और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी नेदर पोर्टल बनाने की। भाई पता नहीं इस टाइम में क्या बके जा रहा था, लेकिन अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो ना इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कर दो ना यार सब्सक्राइब। भाई ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, मेरे बस 1K सब्सक्राइब तो करा दो यार प्लीज़। भाई 1 घंटा वेट किया भाई, लेकिन जो लोहे का बैरल था ना ये लावा कलेक्ट करने के लिए रखा हुआ है भाई, उसमें सिर्फ 4 ही लावा भरा, तो भाई ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। और पहले से हमारे पास कितने 7 ऑब्सीडियंस हम यहाँ से तोड़ के ले गए थे, तो भाई कोई ना यहाँ पे मेरे से गलती से जगह टूट गई, तो यहाँ पे एक होगा
तो यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स लगाते हैं और हमारा नेदर पोर्टल भी तैयार करते हैं। यस गाइस, इसी चेस्ट में हमारे 7 ऑब्सीडियन से अभी कंफ्यूज होगा, वो ब्लैक होल है ठीक है, दूसरा वाला जो दिख रहा है। तो अभी के लिए तो हमारे पास है टोटल 11 ऑब्सीडियंस, और ये इतने ऑब्सीडियंस आई थिंक भी इनफ होते हैं एक पोर्टल को बनाने के लिए। तो पूरा तो नहीं बनेगा लेकिन कोई ना भाई, टेम्प्ररी ब्लॉक्स यूज करके हम पूरा का पूरा बना लेंगे नेदर पोर्टल। कैसा हमको लगाना है, बस आखिरी हमारा वो भी लगा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो भाई इसको जलाने के लिए चाहिए हमको फ्लिंट एंड स्टील, लेकिन हमारे पास फ्लिंट नहीं है, और फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए आई थिंक भी एक फ्लिंट चाहिए और एक आयरन चाहिए। आयरन तो है हमारे पास बहुत सारा, लेकिन एक फ्लिंट के लिए हमको तोड़ना पड़ेगा ग्रेवल, और ग्रेवल भी होगा शायद, तो भाई ढूंढना पड़ेगा पहले। तो देखो इस चेस्ट में नहीं है भाई, इस चेस्ट में भाई मिल जा। तो गाइस मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रेवल लिया है, और देखते हैं भाई प्लक अपना भाई। ठीक है फर्स्ट ट्राई में नहीं मिला, तो सेकंड ट्राई भाई नहीं मिला यार, जल्दी मिल जाना फ्लिंट भाई, पता नहीं कितना टाइम लगेगा मेरे को अभी ग्रेवल से फ्लिंट निकालने में। ऑल राइट गाइस, तो हमको फ्लिंट भी मिल चुका है, और भाई और गाइस यहाँ पे बनकर रेडी है हमारा फ्लिंट एंड स्टील। भाई जल्दी से क्या है ना, अभी फ्लिंट चलाते हैं और पोर्टल को एक्टिव करते हैं, चलो। ओह भाई मुझे लगा एक टाइम पे ये नहीं काम करेगा, लेकिन भाई फाइनली ये जल चुका है, और वन ब्लॉक के अंदर मैं फर्स्ट टाइम नेदर पोर्टल में जाने वाला हूँ। लेकिन भाई उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास जितना भी सामान है मैं एक चेस्ट में रख देता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा जो नेदर पोर्टल का स्पॉन है एकदम लावा पुल के ऊपर स्पॉन हो। तो भाई गलती से भी मर गए तो पूरे के पूरे टूल्स चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आयरन की बहुत ही ज़्यादा कमी है यहाँ पे। ओके गाइस, तो क्या आप लोग भी एक्साइटेड है मेरा वन ब्लॉक का नेदर देखने के लिए? पता नहीं कैसा होगा भाई, वन ब्लॉक का तो नहीं है ना। ओके भाई मेरा देखो ना एकदम तट्टी फ़ोन है ठीक है गाइस, इसलिए आपको बोलता हूँ सपोर्ट करो, क्योंकि अच्छा फ़ोन ले सकूँ मैं इसको इतना टाइम। ओके भाई कोई ना आ गया मैं। ओ भाई साहब ये क्या स्पॉन मिला है भाई, स्केलेटन है यहाँ पे भाई। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकता हूँ क्या मैं? सोल सैंड है और बहुत ही स्लो चलूंगा मैं यहाँ पे यार भाई। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, मेरे को ये स्पॉन अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बोन मिल की कमी नहीं होने वाली मेरे पास। लेकिन भाई देख सकते हो यार, अबे भाई नीचे गिर गया मैं। स्केलेटन भाई मत मार। अरे भाई ब्राउन भाई, भाई मेरे को चाहिए था भाई एक मिनट, मेरे को बहुत अच्छी चीज दिखी है भाई, मैं मर जाऊंगा यार, कहाँ पे जाऊँ मैं, भाग भी नहीं पा रहा यहाँ पे। मेरे को ब्राउन मशरूम दिखा यहाँ पे भाई, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। भाई जल्दी से तोड़ मत मार भाई स्केलेटन प्लीज यार, आज के दिन मत मार भाई प्लीज यार। भाई चलो यहाँ से निकलो, मेरे को ब्राउन मशरूम मिल चुका है भाई, मैं यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस बना सकता हूँ गाइस। भाई मेरे को बस यही चाहिए था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी ना, तो भाई आप लोग मतलब देखो यार, मैं कितना तरसा था एक ब्राउन मशरूम के लिए। जल्दी से चलो भाई, नहीं तो मर जाऊंगा मैं यहाँ पे भाई। मुझे लिटरली सच बोल रहा हूँ, ये कभी नहीं लगा था कि मेरे को ब्राउन मशरूम मिलेगा नेदर में भाई। भाई ये मेरे लिए बहुत ही मतलब, मैं चाहता तो था नेदर पोर्टल बनाऊं, लेकिन भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आया ठीक है भाई। अभी मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाला, और वो क्या बोलते हैं यार, फर्मेंटेड आइस, क्या बोलते हैं यार, आई थिंक आई एम राइट, फर्मेंटेड आइस ही बोलते हैं स्पाइडर की जो टूटा हुआ कुछ तो होता है रेड, तो जल्दी से बनाते हैं वो। ओके गाइस, तो ये रहा मेरा क्राफ्टिंग टेबल, और भाई देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेरे को रेसिपी तो पता थी, और यस गाइस इसको बोलते हैं फर्मेंटेड स्पाइडर आई। तो भाई मैं तैयार मतलब बराबर था मेरा, तो मेरे पास बॉटल थे वो जो सैंड वाला मतलब सॉरी डिजर्ट वाला फेज लगा था, उसी में से मिले थे हमको सैंड, और उसी से सब कुछ बनाया। तो हम ऊपर को रखना है हमको यहाँ पे फर्मेंटेड आइस, और गाइस यहाँ पे हमारा बन जाएगा यहाँ पे अभी पोशन ऑफ वीकनेस। सिर्फ हमको फिर एक बार पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के बाद वहाँ पे गन पाउडर लगाना है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने यूट्यूब पे ऐसे रेसिपी देखी, तो उसका रीज़न आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो भाई जल्दी से बन जाए यार। ओके भाई ठीक है भाई, फाइनली हमारा यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस बन चुका है, और अब हमें क्या करना है ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे को ना एक ज़ॉम्बी विलेजर पकड़ना है, उसके ऊपर ना मेरे को मतलब ये जो भी पोशन है वो छिड़क के उसको क्योर करना है, क्योंकि हमको चाहिए एकदम क्योर विलेजर्स, जिसकी हम आबादी बढ़ा के बनाने वाले एक ट्रेडिंग हॉल। क्योंकि गाइस ट्रेडिंग हॉल बनाने के बाद
हम इस वाले वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है और यहाँ पे मेरे पोर्शन ऑफ वीकनेस पूरे के पूरे 3 बन के रेडी है। तो गाइस प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज में। जो भी बंदा नया हो ना तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, दिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई, गरीब की थोड़ी सी मदद कर दो। तो भाई आज के इस वीडियो में मेरे पास बस इतना ही है, मिलते हैं इससे भी बेटर वीडियो में। तो मैंने इस वीडियो में एडिटिंग करने के लिए बहुत कुछ मेहनत की है, मतलब इसी वजह से वीडियो लेट आया। तो बता देना यार आज की वीडियो कैसी थी।